आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, जिसमें हम ले रहे हैं अभी रासायनिक आवर्तिता, केमिकल पीरियोडिसिटी के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश साहू और आपका मेरे यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री पर स्वागत है। तो लेते हैं इसमें केमिकल पीरियोडिसिटी, आवर्तिता क्या होती है। आवर्तिता के लिए परिभाषा अगर हम देखना चाहें, आवर्तिता किसको बोला जाता है, तो एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद वही गुण अपने को दिखाई देना, एक निश्चित अंतराल के पश्चात वही गुण क्या हो रहा है, रिपीट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आवर्तिता। अब केमिकल पीरियोडिसिटी मतलब यहाँ पर केमिकल गुण, यहाँ पर जो केमिकल गुण है ये थोड़ा बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है, वो क्या होता है, रिपीट होता है एक निश्चित इंटरवल के पश्चात। ठीक, तो ये आवर्तिता, और ये जो इसको जो आवर्तिता है उसको मतलब केमिकल जो पीरियोडिक टेबल है उसको सबसे पहले बनाया था मेंडेलीव के द्वारा, और पहले था लेकिन जो चर्चित में है वो मेंडेलीव के द्वारा था, और इसमें जो केमिकल जो पीरियोडिक टेबल है उसको अरेंज किया था ये द्रव्यमान के अनुसार से, जो परमाणु का द्रव्यमान होता है उसके अनुसार से ये क्या किया था, अरेंज किया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो मेंडेलीव का आवर्त सारणी है वो किसके आधार पर इस व्यवस्थित किया गया था, तो याद रखिएगा ये परमाणु द्रव्यमान होता है। अब इसमें बात करते हैं जो मेंडेलीव का आवर्त सारणी है, तो इसमें हम देखते हैं तो नौ ग्रुप है इसमें, नौ ग्रुप और सात पीरियड होता है, जैसे कि अभी सात पीरियड अभी भी बात करते हैं, ये नौ ग्रुप होता है। तो नौ ग्रुप को ये किस प्रकार से बात किया था, ये बोला था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन एट और लास्ट को बोला था ये जीरो। ठीक, इस प्रकार से ये अपना डिवाइड किया था। इसमें हम बात करते हैं सभी में, यहाँ तक सात तक में हर ग्रुप में दो एलिमेंट होते हैं, याद रखिए कि ये क्वेश्चन बनाया जाता है पहला से लेकर सातवां तक दो ग्रुप दो एलिमेंट होते हैं, लेकिन जो आठवां होता है इसमें तीन एलिमेंट पाए जाते हैं। इस ग्रुप में कितना एलिमेंट होता है, तीन तीन एलिमेंट होता है, बाकी सभी में दो दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक, और ये लास्ट वाला में सिर्फ एक एक एलिमेंट होते हैं, इसमें सिर्फ नोबेल गैस जिसको जीरो ग्रुप पहले मेंडेलीव बोला था इसीलिए हम इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस या अठारवा ग्रुप के नाम से अभी जाना जाता है मॉडर्न के हिसाब से। ठीक, तो इसमें याद रखिएगा सिर्फ इस प्रकार से होता है, दो दो एलिमेंट सात तक, आठवां में तीन एलिमेंट और नौवां या जीरो ग्रुप इसमें एक एलिमेंट होता है, सात पीरियड होते हैं एज यूजुअल जैसे कि अभी है वैसा सात पीरियड यहाँ पर भी पाया जाता है। ठीक, ये कुछ हद तक सही था द्रव्यमान के अनुसार से, बाद में देखा गया कि द्रव्यमान का आवर्तिता तो ये कम्प्लीटली नहीं हो पा रहा है, तो बाद में मोसले अपना जो लॉन्ग फॉर्म दिया पीरियोडिक टेबल का, लॉन्ग फॉर्म इसको लॉन्ग फॉर्म के नाम से जानते हैं, दीर्घ रूप बोलते हैं, दीर्घ रूप पीरियोडिक टेबल का या आवर्त सारणी का दीर्घ रूप इसको दिया था मोसले के द्वारा। ठीक, और इसमें 18 ग्रुप होते हैं और सात पीरियड होते हैं। ठीक, 18 ग्रुप, अब देखिए यहाँ पर सात दूनी 14, 14 तीन 17, 17 एक 18, तो जो मोसले पीरियोडिक टेबल बनाया था उसी को अलग किया और ये बना दिया कि कितना 18 ग्रुप, लेकिन यहाँ पर जो इसकी आवर्तिता ली वो परमाणु क्रमांक के आधार पर ली, जैसे मोसले परमाणु द्रव्यमान के आधार पर लिया था तो मोसले परमाणु क्रमांक को आधार बनाया और इसकी आवर्तिता के आधार पर इसको 18 ग्रुप और 7 पीरियड में डिवाइड किया। ठीक, अब यहाँ पर 18 ग्रुप आपको पता है, जैसे कि ये इसको हम बोल देते हैं यहाँ पर 1A और सेकंड बी। ठीक, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे 1A और सेकंड ए इस प्रकार से, फिर यहाँ से इधर जो लास्ट में जाते हैं बीच को क्या लेते हैं हम 3, 4, 5, 6, 7 ये सब बी में आ जाता है, फिर इधर क्या आ जाता है 1AB। ठीक, तो वहां पर अपने को जाने की जरूरत नहीं है, इसमें से यहाँ पर क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है 7 पीरियड पर, मतलब जो 7 पीरियड में डिवाइड किया उसमें, तो इसमें फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक, सेकंड और थर्ड के बारे में बात करता हूँ तो 8 एलिमेंट होते हैं, फिर फोर्थ और फिफ्थ में जाता हूँ तो 18 एलिमेंट होते हैं, और सिक्स में जाता हूँ तो फिर 32 एलिमेंट मिलेंगे, और सेवेंथ में जाऊंगा तो इनकम्प्लीट भी बोला जाता है, या तो अभी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया तो 32 एलिमेंट इसमें होते हैं। ठीक,
ये जो छठवा और सातवां के बारे में बात करता हूँ, तो इसमें छठवा में कितने एलिमेंट होंगे, तो इस बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप तो यहाँ पर 32 एलिमेंट बता रहे हैं, इसमें से 8 एलिमेंट नॉर्मल होता है जैसे कि एस और बी ब्लॉक से, 10 एलिमेंट यहाँ पर ट्रांजिशन होता है और 14 एलिमेंट लैंथेनाइड होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा, 8 एलिमेंट नॉर्मल होगा, 10 एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल होता है संक्रमण तत्व और 14 एलिमेंट लैंथेनाइड जिसको रेयर अर्थ मेटल के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। सेवंथ में भी आप यही बताएंगे, अगर इनकम्प्लीट ऑप्शन देता है तो उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाल ही में ये पूर्ण कंप्लीट हो गया है तो 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बताया जा सकता है। ठीक, तो ये तो हो गया थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब इसके हम आवर्तिता के बारे में बात करते हैं। आवर्तिता जैसे कि एक निश्चित जो इंटरवल के पश्चात वही गुण बार बार अपने को दिखाई देना। ठीक, तो यहाँ से अब ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से तो ज्यादा नहीं उठाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट है जो अपने को समझना बहुत जरूरी है आगे स्टडी के लिए। ठीक, तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोला जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। ठीक, आयनन ऊर्जा क्या होता है, कंडीशन हम यहाँ पर लेते हैं किसी एलिमेंट के बारे में, उसको हम आइसोलेटेड लेते हैं, आइसोलेटेड या बोल सकते हो आप उसको पहले गैसियस फॉर्म में चेंज करोगे। ठीक, गैसियस फॉर्म में लेना पड़ेगा जिस एटम को हम डिफाइन करेंगे उसको आइसोलेटेड बोला जाता है, विलायक अवस्था या तो गैसीय अवस्था में लेना पड़ेगा। तो गैसीय अवस्था में एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ठीक, लगभग आप सभी को पता होगा यह डेफिनेशन। अब इसमें पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूँ, लेफ्ट मतलब इधर से इधर जाता हूँ लेफ्ट टू राइट, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होने लगता है, इंक्रीज होता है। ठीक, अगर मैं अप टू डाउन आऊं, अप टू डाउन आता हूं तो ये डिक्रीज होने लगता है, ये जनरल ट्रेंड है, इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। ठीक, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जनरल ट्रेंड में देखा जाए पीरियोडिक ट्रेंड में, तो अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगा और अप टू डाउन आते हैं तो डिक्रीज होता है। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा अपवाद मिलता है, और ये अपवाद क्या है देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सेकंड से बात करता हूँ, लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। ठीक, ये इस प्रकार से इसका पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट देते हैं, इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। अब इसमें बात करूं तो ये हो जाता है 2s1 और ये होता है 2s2। ठीक, यहां पर आ जाता है 2s2 के बाद p1 आता है। ठीक, और यहाँ पर फिर ये P2 हो जाएगा और ये P3। आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर P4, ये P5 और ये P6। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है। ठीक, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, जैसे कि जनरल ट्रेंड में देखेंगे लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, तो उस आधार पर हम बोलेंगे जनरल ट्रेंड पर आधार पर इस प्रकार से इसमें रिलेशन होना चाहिए, इधर जा रहे हैं तो सीधा सीधा बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्यों, देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ठीक, अब इस कंडीशन में देखो बेरिलियम पर ऑलरेडी फील्ड है, फुल फील्ड है, इसका जो कक्षक है वो फुल फील्ड है, ये अपना इलेक्ट्रॉन खोना नहीं चाहता है, मतलब ये क्या है, स्टेबल कंडीशन में है। ठीक, वैसा यहाँ पर नाइट्रोजन में देखिए P3 कॉन्फिगरेशन होने के कारण से इसका पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। ठीक, मतलब ये हाफ स्टेबिलिटी शो करता है। वैसा ही नियॉन के बारे में बात करते हैं कि फुल स्टेबल है क्योंकि इसका पूरा कक्षक भरा हुआ है, तो फुल, ये फुल स्टेबिलिटी, ये हाफ स्टेबिलिटी और ये भी फुल स्टेबिलिटी शो करता है, इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन खोना नहीं चाहेगा। इस कारण से क्या होता है, इसका जो आगे का इलेक्ट्रॉन होता, आगे का जो एलिमेंट होता है जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपवाद हो जाता है और आगे वाले जो क्या बोलते हैं एटम है उससे पीछे वाला थोड़ा सा ज्यादा शो करने लगता है, मतलब इसकी तुलना में इसका ज्यादा होगा। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार से करूंगा
यहाँ पर बात करते हैं तो इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर ट्रेंड मिलने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा साइन चेंज हो जाता है, लिथियम और फिर लिथियम से ज्यादा है बेरिलियम का, और बेरिलियम का भी ज्यादा है बोरॉन से, ठीक। याद रखिएगा, या इसको आपको ऐसा करके भी दे सकता है या तो फिर आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो दोनों ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक। वैसे यहाँ पर अगर आगे बढ़ाते हुए जाएंगे तो कार्बन और ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, फिर ये क्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा, फिर नियॉन का ज्यादा हो जाएगा, ठीक। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो या तो इसको ऐसा लिखा हुआ भी आपको मिल सकता है, ठीक। दोनों कंडीशन इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक। याद रखिएगा, ये अपवाद है, ज्यादा होता है अपने आगे वाले एटम से, ये ज्यादा होता है अपने आगे वाले एटम से। इसी प्रकार से सभी ग्रुप में हम बात करेंगे तो वैसे ये ग्रुप हमेशा अपने आगे वाले एटम से ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल शो करेगा, ठीक। अप टू डाउन जाते हैं तो डिक्रीज होगा, इसमें कोई बात होने वाला नहीं है। डिक्रीज क्यों होता है और इंक्रीज क्यों होता है, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अभी देखेंगे रेडियाई के बारे में, तो जनरल ट्रेंड आप देख सकते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण से नाभिक के द्वारा ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट होता है, जिसके कारण से इसका जो रेडियस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा हो जाता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाती है। अप टू डाउन जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अप टू डाउन में जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला कक्षा, ठीक। अब लिथियम के लिए बात करेंगे तो ये दूसरा कक्षा, फिर उसके नीचे में सोडियम रहता है तो इसका तीसरा कक्षा, फिर चौथा कक्षा, फिर पांचवा। तो लेफ्ट अप टू डाउन जाते हैं तो साइज बड़ा होते जा रहा है, क्लियरली देख रहे हैं साइज बड़ा होगा, तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर नाभिक नहीं दे सकता है। मतलब हम बोल सकते हैं छोटा ऑर्बिटल रहेगा तो छोटा साइज रहेगा तो ज्यादा अट्रैक्ट, ज्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन बंधा रहता है, अगर साइज बड़ा होता है तो कम फोर्स के साथ ही बंधा होता है, इसलिए साइज बड़ा होने पर इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कम आएगा, ठीक। दूसरा देखते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं, इसके नाम से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक, भाईचारा। तो इसके लिए भी हम जैसे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए जो कंडीशन लिए थे वैसा ही कंडीशन यहाँ पर भी रहेगा, आइसोलेटेड तो कंडीशन लेना पड़ेगा आपको, आइसोलेटेड जिसको मैं गैसियस फॉर्म भी बोल सकता हूँ, गैसियस फॉर्म पर लेना है, उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, वहां पर हम बाहर निकाले थे, यहाँ पर हम जोड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर बाहर निकली ऊर्जा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, अब यहां पर ऊर्जा देनी पड़ेगी अपने को, सॉरी बाहर निकली ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर बाहर निकली ऊर्जा, ठीक। कितनी ऊर्जा बाहर निकलती है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर से ज्यादा तो मैं बात नहीं करता हूं, यहां पर मैं जनरल ट्रेंड के बारे में बात करता हूं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पर ये इंक्रीज होती है, बढ़ती है, ठीक, और अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज होती है। जैसा कि हम आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए बात किए थे वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आता है, ठीक। अब इसमें अपवाद क्या है ये देख लेते हैं, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट मैं लूंगा, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन और नियॉन, ठीक। मैं यही पर बात करूंगा क्योंकि ये फुल फील्ड है 1s, और यहाँ पर ये क्या है हाफ फील्ड है, और यहाँ पर ये फिर से फुल फील्ड है, ठीक। तो ये हाफ फील्ड है, इस पर इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जा सकता है, हम क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर, ठीक। इसके पास तो जगह ही नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह ही नहीं है, इसलिए आप इसको कैसे भी कर लो, कितना भी ऊर्जा दो, कितना भी फोर्स डालो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला नहीं क्योंकि इसके पास जगह है ही नहीं, इसलिए इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू जीरो होता है। वैसी प्रकार से यहाँ पर भी बात करते हैं तो रखने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जीरो होता है। याद रखिएगा ये सेकंड सेकंड ग्रुप और लास्ट ग्रुप, इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता का वैल्यू जीरो होता है। एक और अपवाद यहाँ पर आपको मिल सकता है और वो है हैलोजन ग्रुप पर, और यहीं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठाया जाता है, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, ये इस प्रकार से हैलोजन के बारे में हम बात करते हैं तो आपको डाउन जाने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जनरल ट्रेंड के आधार पर देखते हैं ऐसे डाउन जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद मिलता है और अपवाद ये होता है क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन से, फिर जनरल ट्रेंड जैसा है वैसा ही रहने वाला है। तो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में, हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने आप में लेता है तो ऊर्जा बाहर निकलती है, उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फ्लोरीन और क्लोरीन ऐसा क्या हो जाता है, क्लोरीन अपवादित हो जाता है, क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है। तो क्लोरीन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका साइज लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, कंस्टेंटली यहाँ पर डिक्रीज होते जाता है। तो यहाँ पर निरंतर डिक्रीज होने के कारण से साइज बहुत छोटा हो जाएगा, छोटा होने के कारण से अब इसमें हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, जैसे कि इसके पास सात इलेक्ट्रॉन होता है, तीन छह और ये सात। ठीक, ये अपने आप को क्या करेगा, अरेंज करने का, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है डिस्टेंस में। अब मान लेते हैं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन और एड करना चाह रहे हैं तो क्या होता है, ये साइज बहुत छोटा होने के कारण से इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास में होते हैं, इसलिए बाहर से जो एक इलेक्ट्रॉन आता है उसको बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ ये रिपल करने का कोशिश करता है, मतलब अपने में लेना नहीं चाहता है। ठीक, ऊर्जा के बारे में बात कर रहा हूँ ना मैं, इलेक्ट्रॉन को तो खींचता है, बहुत तेजी से खींचता है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए बराबर से जगह नहीं मिल पाता है। ठीक, तो इसको अरेंज करने के लिए, इसमें विस्थापित करने के लिए कुछ ऊर्जा यहाँ पर खत्म हो जाती है। ठीक, क्या हो जाता है, कुछ ऊर्जा इसको अरेंज करने में खत्म हो जाती है, जिसके कारण से फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्लोरीन की तुलना में कम हो जाती है। क्लोरीन का साइज बड़ा होता है तो इसको उतना दिक्कत नहीं होता है इलेक्ट्रॉन को अपने में रखने में, तो ये क्या कर लेता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक, तो यहाँ पर ऊर्जा क्या होगा, थोड़ा सा अपने को ज्यादा मिलता है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके लिए डेफिनेशन दिया जा सकता है, इसको डिफाइन किया जा सकता है। ठीक, क्लोरीन का ज्यादा रहेगा, क्लोरीन से कम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप अच्छा से याद रखिएगा। ठीक, और लास्ट वाला ग्रुप और सेकंड ग्रुप, इसके लिए क्या होता है, जीरो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, सिर्फ इतना है, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं देगा। अब एक और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसको हम हिंदी में विद्युत ऋणता के नाम से जानते हैं। ठीक, और ये कोई एनर्जी वगैरह नहीं है, ये टेंडेंसी होता है, बस सिर्फ क्या है, प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी किसी एलिमेंट की, ये टेंडेंसी होती है जो इसे साझा सा इलेक्ट्रॉन जो बंधा रहता है ना उसको अपनी ओर खींचने की एक टेंडेंसी होती है। किसको, साझा में, साझा से जो बंध बनाते हैं उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और ये जनरल ट्रेंड में अगर देखा जाए लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होगा और डाउन जाते हैं तो डिक्रीज होगा। ठीक, सिर्फ इतना ही याद रखना है, इंक्रीज और डिक्रीज। लास्ट ग्रुप फिर से इसमें कोई टेंडेंसी नहीं पाई जाती, इसके लिए ये सीधा सीधा जीरो। ठीक, इतना याद रखिएगा, लास्ट ग्रुप के लिए जीरो, बाकी फ्लोरीन तक मतलब हैलोजन ग्रुप तक जाएंगे लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा और अप टू डाउन डिक्रीज होगा। इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का होता है। किसका, फ्लोरीन का, लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन जाएंगे तो जीरो, मतलब क्लोरीन का कम हो जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए ऑर्डर जो मिलेगा आपको, ये ऑर्डर मिलेगा क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, सिर्फ जनरल ट्रेंड। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या बोला हूँ, क्लोरीन ज्यादा हो जाएगा क्लोरीन से। ठीक, बाकी ये ऐसे ही रहेगा, तो इन दोनों में यही डिफरेंस होता है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए है और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए है। ठीक, इसको याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। अब यहाँ से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाता है इस चैप्टर से वो है रेडियस पर। ठीक, इस पर रेडियस पर, तो रेडियस के बारे में आप क्या बोलेंगे, आप रेडियस पर से देख के बता सकते हो। रेडियस दो तीन टाइप से हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, एक तो कोवेलेंट रेडियस होता है, एक होता है वांडरवाल रेडियस
और बता सकते हैं हम यहाँ पर आयनिक रेडियस। ठीक, आयनिक रेडियस मतलब जब इलेक्ट्रॉन एड होगा या रिमूव होगा जिसके कारण से आयन बनेगा तो उसका जो रेडियस होगा उसको हम आयनिक रेडियस के नाम से जानते हैं। कोवेलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस, इसके बारे में जब हम बात करते हैं, जब रेडियस के बारे में बात करते हैं तो बताया जाता है यहां पर कोवेलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस और क्रिस्टल रेडियस होता है, मेटालिक रेडियस, क्रिस्टल रेडियस और होता है आयनिक रेडियस। ठीक, ये इस प्रकार से होता है। इसमें सबसे ज्यादा होता है वंडरवाल का। अगर वंडर एक रेडियस आपको जनरल ट्रेंड पूछा जाए, वंडरवाल का रेडियस ज्यादा होता है, फिर क्रिस्टल का होता है, फिर कोवेलेंट का होता है। कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा होता है। ठीक, आयनिक डिपेंड करता है आयंस पर, किस प्रकार से आयंस बनते हैं। ठीक, और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है आपको आयनिक रेडियस पर। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है अगर धन आयन है तो साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। अगर ऋण आयन है तो साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक, आपको यह ध्यान में रखना है, धन आयन है तो साइज छोटा रहेगा मूल से। ठीक, अगर ऋण आयन है तो साइज बड़ा होगा, इस प्रकार से। ठीक, जैसे कि अगर सोडियम और सोडियम प्लस में मैं बात करूं तो यहाँ पर ये मूल है, ये धन आयन है। ठीक, इसका साइज छोटा हो जाएगा। ठीक, इसका साइज बड़ा रहेगा। अगर मैं फ्लोरीन और फ्लोरीन माइनस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर ये क्या है, निगेटिव चार्ज है, साइज मूल से बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज और, एक पॉइंट और याद रखिएगा, जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा इफेक्ट, उतना ज्यादा प्रभाव। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा प्रभाव, मतलब क्या मैं बोल रहा हूं, अगर पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ती जाएगी तो साइज और छोटा होते जाएगा, नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ती जाएगी तो साइज और बड़ा होते जाएगा। ठीक, इस प्रकार से यहां पर कॉन्सेप्ट रखना है अपने को। अब इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर देगा, सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर देने वाला है। सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है मैं बता चुका हूं, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाइए सेकंड वीडियो पर, परमाणु संरचना भाग दो जो बनाया हूं वहां पर ये आपको मिल जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक, तो सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यहां पर देगा और पूछेगा कि किसका साइज बड़ा है किसका साइज छोटा है। जैसे कि मैं बात करता हूं O2 माइनस फ्लोरिन माइनस नियान सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2+। आपको इसको अरेंज करना है किस पर, साइज के बढ़ते हुए क्रम पर। तो साइज के बढ़ते हुए क्रम पर मैं अगर बात करूं, देखिए यहाँ पर ये कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु इलेक्ट्रॉन होता है 8 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिए तो 10, ये हो गया 9 1 10 और यहाँ पर ये 10, 11 में 1 कम कर दिए तो 10 और 12 में 2 कम कर दिए तो 10। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए तो सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है और आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर इसका साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो आप इसको इस प्रकार से अरेंज करेंगे, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा प्रभाव। तो यहाँ पर देखिए मैं बोला हूँ ऋण आयन का साइज बड़ा होता है, जितना ज्यादा चार्ज रहेगा दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो इसका चार्ज ज्यादा है इसलिए इसका साइज बड़ा होगा। तो ऑक्सीजन फिर क्लोरीन फिर मूल। ठीक, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ती जा रही है उतना ज्यादा ये छोटा होते जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें अरेंजिंग आपको मिलेगा, व्यवस्था मिलेगा। ठीक, एक और कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपको ऐसा करके भी दिया जाता है आई आई प्लस और आई माइनस, तो आपको बताना है इसमें साइज किसका ज्यादा होगा। ठीक, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का साइज बड़ा होता है, पॉजिटिव साइज का साइज छोटा होता है। तो कुछ आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बताएंगे साइज का ऑर्डर। ठीक, माइनस का ज्यादा रहेगा फिर पॉजिटिव का सबसे कम रहेगा, इस प्रकार से यहाँ पर आपको बता देना है। जनरल ट्रेंड के अगर बारे में बात करूं तो ये आपको आप देखें यहाँ पर अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होता है और अप टू डाउन जाते हैं तो इंक्रीज होता है। अब इसको ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डाउन जा रहे हैं तो कक्षकों की संख्या बढ़ती जा रही है इसलिए डाउन जाएंगे तो इंक्रीज होगा। और एक ही आवर्त में बात करते हैं तो एक ही आवर्त के लास्ट ऑर्बिटल में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हुए जाता है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो प्रभावी न्यूक्लियर नाभिकीय आवेश होता है उसका जो वैल्यू है वो बढ़ते जाता है जिसके कारण से बाहरी इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स के साथ नाभिक अटैक करता है और साइज को सिकुड़ देता है जिससे साइज छोटा हो जाता है। कुछ इस प्रकार से हम बात करते हैं, ये हो गया रेडियस के बारे में। ठीक,
अब इसमें इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं होता है। एक पॉइंट और अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, जैसे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट में मैं बात किया था, वहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको दिया जा सकता है EA-EB। ठीक, यहाँ पर EA और EB क्या है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बता रहा है एटम ए का और एटम बी का। यदि दोनों का डिफरेंस यदि 1.7 आता है तो यह होता है सहसंयोजक, नहीं यहाँ पर यह होता है 50% होता है, 50% और 50% सहसंयोजक और आयनिक। ठीक, दोनों कैरेक्टर इसमें 50-50% होता है। यदि ये 1.7 से ज्यादा हुआ तो यह हो जाता है आयनिक, और 1.7 से कम होता है तो ये आ जाता है सहसंयोजक। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा, 50% से 1.7 से अगर ज्यादा हो जाता है तो आयनिक आ जाता है, और 1.7 से कम आता है तो सहसंयोजक बंध वहां पर पाया जाता है। ये पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, तो आपको जो पूछे गए यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, अब ध्यान में रखिए यहाँ पर सोडियम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो जैसे कि सोडियम से सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला, ये इलेक्ट्रॉन सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके क्या होगा, खुद रिड्यूस होगा। ठीक, तो ये क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अपचायक होता है। ठीक, सामने वालों को क्या कर रहा है, अपचायित कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन पर, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बनाता है, एक माइनस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, सामने वाला के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ठीक, तो सामने वाले इलेक्ट्रॉन की कमी ला रहा है, ये क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ती है वहां पर अपचयन, और जहां पर इलेक्ट्रॉन घटती है हम उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घट रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है, ये अपना इलेक्ट्रॉन सामने वाले को देकर क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और ये सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींच कर क्या कर रहा है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये होता है अपचायक, सॉरी ये ऑक्सीकारक होगा, ये क्या होता है, ऑक्सीकारक होगा, और ये हो जाएगा अपचायक। ठीक, तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकारक गुण बढ़ते हुए मिल रहा है। ठीक, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऑक्सीकारक गुण के बारे में बात कर रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग, तो ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होता है। अप टू डाउन जाएंगे तो क्या होगा, अप टू डाउन जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होगा। ठीक, वाइस वर्सा आप कर सकते हो, रिड्यूसिंग के लिए रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, इधर डिक्रीज होगा और इधर इंक्रीज होगा, सिर्फ ये याद रखिएगा। उस आधार पर हम देखते हैं, अगर हैलोजन के बारे में फिर से यहाँ पर पूछा जाता है, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन और आयोडीन। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, हम इधर से इधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगा, तो आप यहाँ पर ऑर्डर कुछ इस प्रकार से बता सकते हैं। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक, और यहाँ पर अगर माइनस चार्ज लगा देता है तो यह हो जाता है उल्टा। ठीक, अब अगर माइनस चार्ज लगा दिया तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर रिवर्स हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका ज्यादा हो जाएगा, इसका हो जाएगा और इसका कम हो जाएगा। सिर्फ यही पॉइंट याद रखिएगा, ज्यादा दिमाग पर जोर मत दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर सीधा सीधा रट्टा मार लीजिएगा, सीधा सीधा एग्जाम में यही क्वेश्चन फंस जाता है। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर बता रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी ऑक्सीडाइजिंग पावर ही बता रहा हूँ, अगर माइनस चार्ज लगता है तो इसका ज्यादा होगा, अगर विदाउट माइनस चार्ज है तो इसका होगा। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस पर और कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, इतना ही क्वेश्चन यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।